नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र एक बार फिर आपके साथ आपके अपनी यूट्यूब चैनल होम गार्डन पे दोस्तों। और सामने आपके ये कुछ टहनियाँ पड़ी हुई हैं, ब्रांचेस लेमन की, और ये आप देख सकते हैं ये कागजी नींबू है, कागजी लेमन है इंडियन, जो अचार में काम आता है। तो आज मैंने अपने कुछ जो सिट्रस प्लांट हैं, लेमन प्लांट हैं, उनकी कटाई छटाई की थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए आज मैं जो हम लेमन से जो लेमन के प्लांट कटिंग से लगाते हैं वो बनाना आपको बता दिया जाए। तो चलिए आज हम आपको कटिंग से नींबू लगाना बताएंगे। कटिंग से जो नींबू लगाने का सही समय है वो नवंबर और अक्टूबर लास्ट है, नवंबर फर्स्ट वीक और अक्टूबर लास्ट वीक। लेकिन सर्दियों में भी नींबू कटिंग से उगाया जा सकता है। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि ब्रांचेस मोटी होनी चाहिए लेमन के लिए, क्योंकि सर्दियों में या कोई भी कटिंग जब हम ग्रो करते हैं तो उसका जो छाल है वो सड़नी नहीं चाहिए। अगर आपकी छाल सड़ गई तो फिर आपकी जो ब्रांच है वो सड़ जाएगी और वो ग्रो नहीं होगी। तो आप हार्डवुड, जो हार्ड छाल है काली, वो ब्रांच यूज करें, और जहाँ तक हो कम से कम एक उंगली कितनी मोटी आप ब्रांच लें। तो ये देखिए मैंने कुछ ऐसी ब्रांच ली हैं। लेकिन सबसे पहले आज की वीडियो का विचार, और आज की वीडियो का विचार है दोस्तों कि भाग्य भी बहादुरों का साथ देता है। जी हाँ, अगर आप समस्याओं परेशानियों से घबरा गए और आपने कोई काम अपना छोड़ दिया तो वो पूर्ण नहीं होगा। हमें लगातार कोशिश फिर कोशिश करनी चाहिए, और जब आप लगातार बहुत मेहनत से काम करेंगे तो अंतोत्गत्वा लास्ट में आप सफल हो ही जाएंगे। तो चलिए मैं जो ब्रांच है उनको साफ़ किए लेता हूँ। आप भी अपने सेक्रेटियर से ब्रांच को ऐसे साफ़ कर लीजिए, और ज़्यादा पतली ब्रांच हमें नहीं लेनी है, कम से कम इतनी मोटाई की ब्रांच होनी चाहिए। तो मैं अभी झट से ये सभी जो ब्रांच हैं वो साफ किए लेता हूँ। इसके अलावा दोस्तों कभी भी कटिंग एक दो ब्रांच की ना लगाएं, कम से कम पांच ब्रांच तो आप लगाएं, क्योंकि कोई भी कटिंग सफल होने का जो परसेंटेज होता है वो कम होता है, 20%, 30%, 50%, बरसात में 80% तक हो जाता है। तो आप जब भी कोई कटिंग लगाएं तो कोशिश करें कि आप उसकी कई ब्रांच लगाएं, जिससे कम से कम आपके पास कुछ ब्रांच सफल आपको मिल सके। दूसरी बात, लेमन की जो ब्रांच लगाने में सावधानियां रखनी चाहिए वो है सॉइल। तो सॉइल सबसे अच्छा है रेत, सैंड, नदी का बालू मिल जाए तो सबसे बढ़िया। लेकिन मैं बालू में नहीं लगा रहा, मैं अपने यहाँ की मिट्टी में ग्रो कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे गार्डन की मिट्टी बहुत ही बढ़िया कटिंग के लिए है और उसी में ये ग्रो हो जाती हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम ग्रो कर रहे हैं और आपको कोई आइडिया नहीं है तो आप बालू यूज करें, और बालू में हल्का, बहुत हल्का, बहुत हल्का खाद यूज़ करना है, ज़्यादा खाद यूज नहीं करना है आपको। जब ये ग्रो हो जाए उसके बाद आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपने अगर अभी यूज किया तो फिर आपकी जो कटिंग है वो ग्रो ना होकर सड़ना शुरू हो जाएगी। तो ये देखिए मैं कुछ ब्रांच साफ किए लेता हूँ, और मैंने कुछ ब्रांच साफ ही कर लिए। कोई भी कटिंग उगाना थोड़ा कठिन है दोस्तों, लेकिन हम तैयार हैं, और आप ये देखिए अब हम इनके बड़े टुकड़े बनाएंगे, कम से कम 5 से 6 इंच, और 45 अंश पे हम इन्हें काटेंगे। ध्यान रखिएगा 45 अंश पे ही आपको बनानी है अपनी कलम। और दोस्तों मेरा मानना है कि जो काम करें नियम से कायदे से करें, क्योंकि जब वो सफल होगा तब भी खुशी होगी, और असफल होगा तो हम कम से कम भरोसा कर सकेंगे कि हमने जो काम किया वो नियम से किया,
कायदे से किया और फिर भी हम सफल नहीं हुए तो कोई बात नहीं, दोबारा करेंगे हम। तो अपना काम हमेशा आप नियम से करने की कोशिश करें, जिससे आपको कभी पछतावा ना हो। ब्रांच सदैव एक वर्ष पुरानी लकड़ी की बनाए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उस ब्रांच में अंकुरण होने का अच्छा चांस होता है। तो ये देखिए मैंने कुछ ब्रांच बना लिए और इसके बाद हम और ब्रांच बना रहे हैं, तो वो मैं बना लेता हूँ झट से। आप देख सकते हैं मैंने इनकी सेब जो है वो 45 अंश पे काटने की कोशिश की है, और अपना जो सिकेटियर है आप उसे बहुत तेज़ कर लें, क्योंकि कटिंग फटनी नहीं चाहिए। अगर आपकी जो कटिंग काटते समय फट गई या फिर लगाने के बाद हिल गई तो फिर ये 100% है कि वो फिर होगी नहीं, वो सफल नहीं होगी, सक्सेस नहीं होगी, वो ख़राब हो जाएगी। तो आप इन्हें ऐसे काट लीजिए। ये मैंने जो सभी ब्रांच हैं वो ऐसे ही काट लिए और हम इन्हें अब दो करके देखेंगे। मैंने कुछ न्यू ब्रांच भी काटी हुई हैं और एज ए एक्सपेरिमेंट मैंने कभी खेत में डायरेक्ट इतनी न्यू ब्रांच नहीं लगाई हैं, पॉट में लगा के देखी हैं और पॉट में सक्सेसफुल हो जाती हैं। मेरे पास एक ब्रांच रखी हुई है पुरानी, उसमें अंकुरण हो रहा है, तो चलिए आज इसका भी एक एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। क्योंकि ये जो कठोर आप ब्रांच देख रहे हैं ये तो अंकुरित होंगी, लेकिन इनका मुझे को थोड़ा सा डाउट रहेगा क्योंकि ये सड़ने का इनका खतरा रहेगा। तो चलिए हम इन्हें अपने खेत में लगाएंगे आज। एक मैंने क्यारी तैयार की है उसमें हम इन्हें लगाते हैं, और लगाने का जो तरीका है, आप पहले क्यारी तैयार कर लीजिए और फिर उसमें लगभग 12 से 24 घंटे पहले उसे पानी से भर दीजिए, गीला कर दीजिए अपनी क्यारी को। और जैसा मैंने बताया, मैं अपने गार्डन की सॉइल में ही इन्हें लगा रहा हूँ, कोई भी दूसरी मिट्टी यूज़ नहीं कर रहा हूँ। आप चाहें तो बालू यूज़ कर सकते हैं, खाद का प्रयोग कम करें, प्योर नेचुरल सॉइल रखने की कोशिश करें, जिससे आपकी जो ब्रांच हैं या कटेंगे वो सड़ेगी नहीं और मुझे उम्मीद है वो अच्छी तरह ग्रो होगी। तो चलते हैं हम इन्हें लेकर अपने, और मैं आपको दिखाता हूँ कि हम इन्हें कहाँ लगाएंगे। फुल सनलाइट की मैंने व्यवस्था की है, ऐसा जगह चुनी है जहाँ पर सूरज पूरे दिन अच्छी धूप देते हैं। लेकिन दोस्तों हमने थोड़ा सा और कुछ किया है, वो देख लीजिए। ये मिट्टी और गोबर का मिश्रण मैंने तैयार किया है, जो हम कटिंग लगाएंगे इसके ऊपरी सिरे को हम इससे ऐसे कवर कर देंगे, जिससे इसके ऊपरी सिरे पर एक परत बन जाएगी और वो उसे सूखने नहीं देगी। ये एक नॉर्मल तरीका है, मेरे एक दोस्त ने मेरे साथ शेयर किया था, तो मैंने उनसे कहा था कि मैं ट्राई करूँगा इसे। मैं आमतौर पे मोम यूज़ करता हूँ, लेकिन आज हम ये मिट्टी और गोबर का पेस्ट यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये सामने एक क्यारी है और उस क्यारी में ही हम इन्हें ग्रो करेंगे। तो चलिए, तो ये देखिए मैंने अपनी जो सभी ब्रांचें इस मिट्टी से ऐसे कवर कर लिए हैं, और इसमें गोबर इसलिए मिलाया है कि मिट्टी सूखने के बाद झड़ ना जाए। तो बिल्कुल तैयार है दोस्तों, और ये सामने आप देख सकते हैं मैंने एक क्यारी तैयार की है, इसमें हल्की सी गोबर खाद डाली हुई है, और ये सामने ऑर्गेनिक आलू मैंने पोटैटो लगाए हुए हैं प्योर बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से। तो हम इन्हें अब लाइन वाइज गाड़ना शुरू करेंगे। और ब्रांच लगाने का सही तरीका, कांटे ऊपर की तरफ ही होने चाहिए, आप इसे उल्टा ना लगाएं, ऐसे लें और प्रेस अली से ऐसे जहाँ तक ये जा सके वहाँ तक इसे दबा दें और ऐसे छोड़ दें। पूरी ताकत से आप
जमीन में इन्हें लगाएं, लगभग 1/3 से इनका अंदर चला जाना चाहिए। आपस में दूरी आप इतनी रखें कि जब आप इन्हें निकालना चाहें तो आपकी जो खुरपी है वो आसानी के साथ इनके चारों ओर मिट्टी को हम निकाल सकें। तो मैं धीमे धीमे सभी ब्रांच को अभी ऐसे ही लगा देता हूँ, और जहाँ ये जैसे आपको मिट्टी कम लग रही है तो आप फिर आप ऊपर से इनके ऊपर गोबर का पेस्ट या मिट्टी लगा दीजिए, वो हम बाद में लगाएंगे, पहले हम इन्हें लगा देते हैं। आप चाहें तो खुरपी का थोड़ा प्रयोग कर सकते हैं अगर आपकी मिट्टी टाइट है तो, लेकिन पोल नहीं रहनी चाहिए आपकी ब्रांच लगाते समय। और गार्डनिंग का नाम एक्सपेरिमेंट है मित्रों, जितने ज़्यादा हम प्रयोग अपनी खेती बागवानी पौधों प्लांट बीज फर्टिलाइजर से संबंधित करते रहेंगे हम फ़ायदा लेते रहेंगे। मेरी कुछ और ब्रांच रह गई हैं, मैं उन्हें और सेट किए देता हूँ। हमारी ये जो नई ब्रांच थी इन्हें भी मैं यहाँ ऐसे ही प्रेशर ली लगा देता हूँ। तो दोस्तों ये हमारी जो लेमन की कटिंग है ये मिट्टी में लग गई है, और अब हल्की वाटरिंग करनी है, बहुत जो मिट्टी खुद गई है वो ठोस हो जाए, और फिर इस सॉइल को आपको तर रखना है, सूखने नहीं देना है। कटिंग सक्सेस होने का सबसे अच्छा मंत्र है, वो हिलनी नहीं चाहिए दोस्तों। तो आप ये देखें, केयर करें आप अपने क्यारी की पॉट की गमले की कि जहाँ आपने कटिंग लगाई है वो हिले नहीं, तो ये बिल्कुल सक्सेस हो जाएंगे। आप और नज़दीक से देख सकते हैं, ये तो आप भी कोशिश कीजिए इन्हें लगाने की। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं जल्द ही इनके अपडेट वीडियो डालूँगा, क्योंकि 1 महीना तो चाहिए चाहिए इन्हें ग्रो होने के लिए कम से कम। तो धन्यवाद इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों, फिर मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, वीडियो देखते रहिए और चैनल को भी। कोई क्वेरी हो तो बेझिझक कमेंट कीजिए और मैं जवाब दूंगा आपका। तो धन्यवाद इन्हीं शब्दों के साथ, थैंक यू।